नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। देश के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी है। इसके अलावा दवाइयों की कालाबाजारी से लड़ना भी किसी चुनौती से कम नहीं है, खासकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी और कालाबाजारी ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। ऐसे में रेमडेसिविर समेत कुछ दवाओं को लेकर सरकार ने खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने कुछ जरूरी दवाओं की कीमत तय कर दी है। इसकी जानकारी खुद रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने दी है। सरकार कोविड 19 के इलाज में काम आने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी कदम उठा रही है, ताकि देश में इसकी उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। डीवी सदानंद गौड़ा ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 5 दिन के भीतर विभिन्न राज्यों को कुल मिलाकर 6,69,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की शीशियां उपलब्ध कराई गई हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना के मरीजों के लिए जरूरी दवाई रेमडेसिविर के दाम को 5,400 रुपए से घटाकर 3,500 रुपए से भी नीचे कर दिया है। वहीं कैडेलिया हेल्थ केयर की दवाई रेमडेक की कीमत 2,800 रुपए से घटाकर 899 रुपए कर दी है। इसके अलावा सिंजन इंटरनेशनल लिमिटेड की दवाई रेमविन को 3,950 से घटाकर 2,450, सिप्ला की सिप रेमी को 4,000 से घटाकर 3,000, माइलन फार्मास्यूटिकल की डेस रेम की कीमत को 4,800 रुपए से घटाकर 3,400 रुपए कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने जुबी आर के दाम में भी 1,300 रुपए की कटौती की घोषणा की है। ये दवाई पहले 4,700 रुपए में मिलती थी, जो कि अब 3,400 रुपए में मिलेगी। सरकार ने इसके अलावा कोवी-4 के दाम में भी कटौती की है। ये दवाई अब 5,400 रुपए की जगह सिर्फ 3,490 रुपए में मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।